जोड़े समझा के आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि यहाँ पे नंदिनी उस माजी के साड़ी में एक मार्क देख लेती है और वो सोचती है कि ये मार्क किस इंस्टीट्यूट का होगा। और यहाँ पे माजी थोड़ी घबराई होती है, इसीलिए नंदिनी उसे सुना देती है। तभी हम दूसरी तरफ देखेंगे कि यहाँ पे दर्श हर एक इंस्टीट्यूट में कॉल करके पता करने की कोशिश कर रहा है कि वहां से कोई औरत भागी तो नहीं है, पर इसे कुछ पता नहीं चलता है। और इसके पापा भी आ जाते हैं और वो भी बता देते हैं कि यहाँ के किसी भी इंस्टीट्यूट से नहीं होगी, शायद कहीं और की ही होगी। तो यहाँ पे इसके पापा ये कह के अपने ही रूम में आ जाते हैं। तो यहाँ पे होती है उस राज्य पे, तभी ये दोनों कोई बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। और यहाँ पे ये दोनों ही बात करते हैं कि ये जो सच है वो बाहर नहीं आनी चाहिए, हमें कैसे भी करके इसे उसी जगह पे भेजना होगा। तो यहाँ पे ये दोनों यही डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे माझी आ जाती है और वो राजवी के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी यहाँ पे राजवी बार बार कहती है उसे छोड़ने के लिए, पर नहीं छोड़ रही होती है। तभी नंदिनी आ जाती है और वो माझी को कहती है कि छोड़ दीजिए। तभी वो कहती है कि पानी पानी। तो यहाँ पे कहती है, नंदिनी कहती है कि आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको पानी देती हूँ। तो वैसे ही रूम से निकलती है। तो यहाँ पे वो जो सर्वेंट है वो पानी लेकर आ जाती है। तो यहाँ पे वो पानी पी लेती है। तभी हम दूसरी तरफ देखेंगे कि यहाँ पे दर्श अपने रूम में होते हैं और चार्मी भी होती है। और चार्मी यहाँ पे दर्श से माफी मांग रही होती है कि उसने नंदिनी को जो कुछ वो कहा था उसके लिए। तभी यहाँ पे दर्श कह रहा है कि कोई बात नहीं, पर नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना कि ऐसी बात कभी कभी लोगों को बहुत चुभ जाती है। तो यहाँ पे ये दोनों डिस्कस तो करते हैं। उसके बाद यहाँ पे चार्मी कहती है दर्श से कि मैं सबके साथ सेल्फी ली हूँ तो क्या मैं तुम्हारे साथ ले सकता हूँ। तो यहाँ पे दर्श कहता है कि हाँ ले सकती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो यहाँ पे जो चार्मी है वो फोटो क्लिक करती है पर दर्श के कंधे पे अपना हाथ रखकर। तभी यहाँ पे नंदिनी आ जाती है। तो नंदिनी यहाँ पे कुछ कहती नहीं और चार्मी भी यहाँ से चली जाती है। तो यहाँ पे दर्श कहता है कि मैं खुद ही जाकर पता करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे नंदिनी कहती है कि मैंने आपको मना तो नहीं किया, पर हाँ मैं भी आपके साथ चलूंगी। तभी हम देखेंगे कि चार्मी ये सारी बातें सुन रही होती है और वो जान बुझ के नंदिनी के पास जा रही है और कहती है कि मुझे एक डिश खाने का मन कर रहा है। तो यहाँ पे वो कहती है कि तुम ना उस नौकरानी से बना लो, पर ये कहती है कि नहीं तुम ही बना लो ना, तुम्हारा हाथ का खाना बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे नंदिनी को इसका बात मानना पड़ता है। और तभी यहाँ पर नंदिनी चली जाती है और चार्मी खुश हो जाती है कि ये दोनों साथ में नहीं जा पाएंगे। तभी हम देखेंगे कि नंदिनी और माँ जी दोनों किचन में होते हैं और यहाँ पे नंदिनी बना रही होती है। तभी यहाँ पे नंदिनी के दिमाग में बस वो मार्क वाली बात ही होती है। तभी वो गूगल पे सर्च करती तो देखती है कि ये इस इंस्टीट्यूट का है। तभी वो अपने रूम में जाती है और उसी नंबर पे कॉल करके बात करती है। तो यहाँ पे मैनेजर वो बता देता है कि हाँ 4 महीने पहले एक औरत यहाँ से भाग गई है। तो यहाँ पे नंदिनी कहती है कि वो औरत यहीं पर है, पर मुझे आपसे मिलना है, उसके बाद ही सारी बातें करेंगे। तो यहाँ पे मैनेजर मान जाता है। तभी यहाँ पे जो नंदिनी अपना बना रही होती है, जो बनाने के लिए चार्मी कही थी, उसके कुछ दिन के बाद यहाँ पर होता ये है कि जो माची है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और वो यहाँ पे मंदिर के पास आ जाती है और वो आरती का जो थाल होता है वो उठाकर आरती करने लगती है। सब लोग यहाँ पे आके रुकते हैं पर ये रुक ही नहीं रही होती। तभी नंदिनी इनके पास आके प्यार से रुकती है, आपको आरती करना है ना? तो वो कहती है हाँ। तो वो बोलती कि मैं आपको करवाऊंगी ना, बस आप इसे छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर वो छोड़ देती है। तभी हम आगे देखेंगे कि यहाँ पे वो मैनेजर आ जाता है दर्श और नंदिनी से मिलने के लिए। तभी यहाँ पे वो जो मैनेजर वो कहता है कि मैंने एम्बुलेंस भी बुलवा के रखा है इसे ले जाने के लिए। तभी यहाँ पे दर्श कहता है कि वो 4 महीने पहले ही भागे थे, तो आपने पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं करवाई? तो यहाँ पे वो कहती है कि उसके फैमिली ने मना किया था। तो यहाँ पे वो दर्श कहता है कि उसकी फैमिली को फोन करने के लिए। तभी यहाँ पे वो फोन करता है तो यहाँ पे ये फोन इसके ही पापा के पास आता है। यहाँ पे वो उसके पापा फोन उठा लेते हैं। तभी वो कहते हैं कि मैं रावल्स हाउस में हूँ, नंदिनी रावल्स के पास ही वो औरत है। तो तभी यहाँ पे सुनने के बाद ये दर्श के पापा मम्मी दोनों बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये है आज के आने वाले एपिसोड के बारे में। आपको कैसा लगा जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें।